सा समबाहु। उसके बाद आता है बेटे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? मैंने बताया एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कोण एक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तीसरे वाला आता है भैया समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? सम, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, या भी मैं कह सकता हूँ या ए या क्या होगी बी। ठीक, उसके बाद तीसरा जो आता है इसको बोलते हैं विषमबाहु। कैसा बोलते हैं? या ए होगी या बी होगी या सी होगी। ये चार प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के त्रिभुज होते हैं। इस चार प्रकार के त्रिभुज, मतलब इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, त्रिभुज ही चार प्रकार के होते हैं। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, अभी आप लोग, मैंने आपको वर्ग पढ़ाया और आयत पढ़ाया, आप मेरे हिसाब से परिमाप के विषय में समझ गए होंगे। परिमाप होता क्या है, उसमें रूल की आपको आवश्यकता भी नहीं रही होगी अब, क्योंकि सभी भुजाओं का योग ही क्या होता है? परिमाप होता है। एक ए, एक ए, एक ए, तीन ए बराबर क्या होगा? परिमाप। यानी कि सभी भुजाओं का योग ही क्या होता है? परिमाप होता है। तो उनके लिए रूल आवश्यकता नहीं है, आपके लिए आपको समझ ही आ सकता है। हम लोग बात करते हैं किसकी? क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट तीन बटे चार गुना भुजा का स्क्वायर। अंडर रूट तीन बटे चार गुना भुजा का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट तीन बटे चार गुना भुजा का स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद में नंबर दो समकोण, दूसरा एक फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा, एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई से भी आप लोग क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको इसमें भी कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। समकोण के लिए भी एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, और भैया समद्विबाहु के लिए भी एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने बताया इन तीन के लिए रूट सिखाया, मैंने इन तीन त्रिभुज के लिए रूल मैंने आपको बताए। चौथा त्रिभुज जहां सभी दिशाएं, सभी भुजाएं क्या हो? विषम हो, तो वहां आप लोग किस तरीके से सवाल को हल करते हैं, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज में आप कैसे हल करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? चार रूट तीन वर्ग सेंटीमीटर है। चार रूट तीन सेंटीमीटर है क्षेत्रफल, सॉरी इसका क्षेत्रफल बताया कितना? क्षेत्रफल बताया भैया चार रूट तीन। तो कहता है बताइए इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको क्या बताया? अंडर रूट तीन बटे चार गुणा भुजा स्क्वायर बराबर चार रूट तीन। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम फिर हुई इतनी बात में? अब आप समझेंगे रूट तीन से रूट तीन कैंसिल, चार बाद में लिखा कहीं में जाएगा गुणा में। मैं कहूंगा भुजा बराबर चार गुणा चार, भुजा स्क्वायर बराबर चार गुणा चार। आपसे पूछे भुजा का मान क्या होगा? भुजा का मान कितना होगा? चार। यही आपका क्या है? आंसर। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगी हो बताओ। समझ आए बात बेटे? सवाल नंबर कितना? 52 नंबर। सवाल नंबर 52, 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, बताओ इसकी ऊंचाई कितनी। भैया ये है समबाहु त्रिभुज, एक फॉर्मूला बताना रह गया था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। किसकी बेटे? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है बेटे? अंडर रूट तीन बटे दो गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है बेटे? रूट तीन बटे दो गुना भुजा। और समबाहु त्रिभुज के भुजा का मान कितना बताया आपको? दो रूट तीन सेंटीमीटर। क्या बताया बेटे? दो रूट तीन। तो हम लोग क्या करेंगे? हमको तो ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? ऊंचाई। ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या बताया? रूट तीन बटे दो गुना भुजा। तो हम लिखेंगे रूट तीन बटे दो गुना दो रूट तीन। भैया दो से दो कैंसिल, रूट तीन की रूट तीन में गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तीन। किसी बच्चे को अगर समस्या फेल हो रही हो मुझसे बात करेगा। बोलो कोई डाउट है क्या बेटे? पक्का स्टार्ट करें।
चले आगे नेक्स्ट वन, सवाल नंबर 53। एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमापे समान है, एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमापे समान है। भैया वर्ग ये होगा क्या और भैया समबाहु त्रिभुज ये होगा क्या, इसने का परिमाप समान है तो आपको पता होना चाहिए इसकी परिमाप होगी 4a और इसकी परिमाप होगी 3a। परिमाप दोनों की क्या है, समान है। कहता है कि यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 रूट तो हो, इसकी वैल्यू 12 रूट कितनी हो, 2। तो बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भैया हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो a का मान निकालना पड़ेगा इस a का, और इस a का मान तब निकलेगा जब इस a का मान निकलेगा, ठीक, भुजा का मान निकलेगा। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? बेटे वर्ग का विकर्ण इजिकल टू किसके होता है, रूट दो गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है रूट दो गुणा भुजा। विकर्ण का मान कितना बता बेटे, 12 रूट दो। कितना बता, 12 रूट दो। यहां लिखा रूट दो गुणा भुजा, बेटे रूट दो तो रूट दो कैंसिल, इसका मतलब वर्ग की भुजा का मान कितना आ गया, 12। तो मैं लिखूंगा 12 चौक 48 बराबर 3a, a बराबर कितना आ गया, 16। यानी कि इसकी एक वैल्यू का मान कितना आ गया, 16। अगर आपको क्या चेक करना है क्षेत्रफल, अब बोलो भाई संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 पूरा स्क्वायर। अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा कितनी बेटे, 16 गुणा 16। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को लगी हो बताए, बोलो कोई डाउट है क्या, अरे समझ में आ रही बात बेटे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सवाल नंबर 54। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। भैया पहले त्रिभुज था ऐसा और इसकी भुजा थी x, इसकी भुजा थी क्या, x। अब क्या हुआ, इसमें कितनी वृद्धि कर दी, कितने, इसमें कितनी वृद्धि कर दी, त्रिभुज था x सेंटीमीटर भुजा वाला, नुगे 2 सेंटीमीटर भुजा बढ़ा दी, संभव त्रिभुज था, नुगे ऐसा करते ही क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी बेटे, 2√3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। मुझे आप बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये संभव त्रिभुज था, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बोलो बेटे, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल तो इतना हो गया होगा भाई, इसकी भुजा x प्लस 2 होगी, तो जरा इसका क्षेत्रफल बताओ, √3/4 गुणा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों इतनी बात सीखना कोई प्रॉब्लम फील हुई क्या, किसी बच्चे को बताइए, किसी बालक को कोई समस्या लगी क्या इतनी बात सीखने में, नो समस्या। अब बच्चों अगली कहानी नंबर आती है 2। नुकाई जो क्षेत्रफल है √3/4 गुणा x जमा 2 का होल स्क्वायर, u इस तय किस तय, √3/4 गुणा x स्क्वायर से कितना अधिक है, 2√3 सेंटीमीटर। 2√3 सेंटीमीटर फालतू है इस तरह, मैं कहा इसमें 2√3 सेंटीमीटर जोड़ दे तो दोनों बातें कैसी हो जाएंगी। इतनी बात सीखने में अगर किसी बालक को कोई समस्या लगी हो तो मुझे आप बताएं, एक बार और बताओ, ठीक, कुछ भी,
उसने कहा एक त्रिभुज का संभव त्रिभुज, उसके प्रत्येक भुजा एक सेंटीमीटर की हमने अपने पास से मान ली, अपने पास से मान ली। तो मैंने कहा संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अंडर रूट 3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा इसकी कितनी थी x, तो अंडर रूट 3/4 गुना x स्क्वायर हमने लिख दिया। नंबर दो पे कहानी आई, उसने कहा कि दूसरे की 2 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दी भुजा, कितने सेंटीमीटर बढ़ा दी, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी। तो मैंने कहा भैया इसको क्या लिख लो बेटे, x+2, इसका क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 गुना फिर भुजा का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया इतना। उसने कहा जो क्षेत्रफल है यू भैया 2√3 सेंटीमीटर ज्यादा है यू, किस तरह, इस तरह हमने देखो इस वाले में जोड़ दिए 2√3, इसके बराबर आ गया। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई, सच बताना बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बेटे मैं इतने वाले हिस्से को इधर ले जाता हूं, √3/4 गुना x+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 गुना एक्स स्क्वायर बराबर 2√3। इतनी बात सीखने लो, अगर कोई समस्या फील हुई किसी बच्चे को मुझसे कंसल्ट, समझ में आया पुत्रों। यहाँ इस सवाल में आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन में बताइए आप क्या कर सकते हैं, किसको कॉमन ले सकते हो, √3/4 को आप कॉमन ले सकते हो, अंदर आपके पास बच गया x+2 का होल स्क्वायर। x+2 का होल स्क्वायर होता है x² + 4x + 2 × 4। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी, माइनस x² = 2√3। बच्चों बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, कोई दिक्कत हो बताओ, नो। अब आप थोड़ा सा सिस्टम और बनाओ, माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो रहा है, यू 4 भाग में लिख रहा है कहीं मजा का, यू √3 गुणा में लिख रहा है कहीं मजा का। तो आप समझ सकते हैं √3 था √3 कैंसिल, 4 भाग में था कहीं मजा होगा गुणा में, 4 × 8, 4x + 4 = 20। 4 प्लस का जब जाएगा कहीं क्या हो जाएगा माइनस का, 4x = 4x = किसके, 1 के। यानी कि पहला जो त्रिभुज था उसकी भुजा का मान कितना था, x का 1 था, दूसरे वाली का 1 और 2 = 3 हो गया। बच्चों मैंने ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझाई, समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन रिमूव कर दो बेटे, मिटा दे, यस। सवाल नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक संभव त्रिभुज की भुजा के बराबर है। बेटे यू एक वर्ग है और यू संभव त्रिभुज है, लुक है वर्ग की प्रत्येक भुजा संभव त्रिभुज के बराबर है। मैंने कहा यह ए है तो यह भी क्या है, ए। कहता है इनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, ए ना मान के तुम क्या मानो, चलो मान लो ही कोई दिक्कत नहीं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटे, a² इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुणा a² इसका क्षेत्रफल u, इसका u याद नहीं होगा बेटे, एक बार वही a² से a² 1√3/4। इसको सरल कर सकते हो आप, 4 यहां चला जाएगा, 4√3। किसी बच्चे के दिक्कत फील हुई हो तो वो मेरे साथ कंसल्ट कर सके, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगी हो तो वो कंसल्ट कर सकता है, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन सवाल बेटा, दो बेटे सवाल नंबर आता है कितना, 56। यदि एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जिसका क्षेत्रफल 156 वर्ग सेंटीमीटर, माय डियर चाइल्ड कहता है एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या, यानी कि इवलोक वृत्त का जिक्र नहीं आता, यहाँ किसका भी आ गया, वृत्त वृत्त मतलब सर्कल का जिक्र आ गया, सर्कल होता है बेटा ये 3 चीजें ये होती है बेटे परिधि, ये क्या होती है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाले को बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं व्यास, इसके मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी
त्रिकोणी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। व्यास को दर्शाते हैं बड़े आर्स है और त्रिज्या को दर्शाते हैं भैया छोटे आर्स। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। परिधि बराबर टू पाई आर। परिधि बराबर क्या होता है? टू पाई। ठीक है, ये किसके बारे में बताया मैंने? वृत्त के विषय में आपको नॉलेज। अब सवाल करेंगे, सवाल का यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो यह भुजा है या उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, यानी कि हमें किसकी त्रिज्या बढ़नी पड़ेगी? क्षेत्रफल बताया 154 किसके बराबर? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर। कोई दिक्कत लगी बच्चों किसी को? 22/7 154 7 × 7 बराबर आर स्क्वायर। दोनों का वर्गमूल लेने पर आर बराबर किसके? 7 के। आर बराबर किसके? 7 के। आर का मान 7 आएगा तो इसकी भुजा भी कितनी होगी? 7। उन्होंने कहा त्रिज्या के बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा है। सवाल में लिख रही है बात कि जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी इसकी भुजा है, तो त्रिज्या कितनी आई आपकी निकल गई? 7। तो इसका मतलब इसकी भुजा कितनी होगी? 7। अब अनुगैस संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, क्या बताया? फार्मूला बोलो। √3/4 × 7/7 आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई समस्या? फिर वही क्या अपनी बात सीखना है? डाउट सर कोई? क्या मैं बता सकता हूँ सवाल को? यस। नेक्स्ट सर, सवाल नंबर आता है कितना बेटे? 57। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आइए, यह समबाहु त्रिभुज और इसकी ऊंचाई √6, नुकेश का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा, ऊंचाई का फार्मूला क्या है भाई समबाहु त्रिभुज की? √3/2 × भुजा बराबर किसके? बच्चे इतनी बात सीखे नहीं सीखे? हम लोग यहाँ से किसका मान निकालेंगे? भुजा का मान निकालेंगे। भुजा का मान कैसे निकलेगा? ये √2/2√6/√3 बराबर किसके? भुजा। इतनी बात सीखना में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा? √3 तक कितनी बार कट जाएगा? 2/2 यानी कि इसकी भुजा का मान आएगा 2/2। क्षेत्रफल काट सको भाई, बताइए संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 × √2 बच्चों समझ में नहीं आई क्या बात? बोलो बेटे, क्लियर नहीं हो रही क्या बात? अगर कोई डाउट हो तो पूछिए आप, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट सवाल नंबर आता है कितना? 58। 58 ना? कहता है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का लंबाई x सेंटीमीटर, x हो समबाहु त्रिभुज है, माध्यिका का मतलब है यह x है, नुकेश का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ? क्षेत्रफल। बच्चों हम पहला टारगेट क्या करेंगे? इस तरह की भुजा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? भुजा। क्या बताने लगे? भुजा। कैसे निकालोगे भैया? √3/2 × भुजा दो भाग में लिखा था भुजा का, 2x/√3 भुजा का मान आ गया। किसका मान आ गया? भुजा का। 2x/√3 क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल क्या हो? √3/4 × √3 उतरो, समझ नहीं आ रही क्या? √3 तो
तो होता है एक्स स्क्वायर बटे। किसी बच्चे को समझ में ना आ रही हो बात उनसे पूछे, भारी बात लग रही क्या बेटे? क्षेत्रफल बताइए आप लोग, समझ नहीं आ रहा क्या? कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट वन क्या है, मिटा दो इसको, मिटा दे। नेक्स्ट वन सवाल नंबर 65। एक सम की बाहु त्रिभुजाकार भूखंड, कौन सा बाहु था भैया? समद्विबाहु बाहु, या बी ए या क्या भी, समद्विबाहु का मतलब यही तो है, दो भुजाएं समान होगी, एक तीसरी कुछ भी हो सकती है। का 125 रुपए प्रति मीटर की दर से, 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपए। कुल मूल्य कितने रुपए? 50,000 रुपए। यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर हो, आधार की लंबाई कितनी हो? 40 मीटर हो, तो भूखंड की बराबर भुजाओं की लंबाई क्या होगी? कहता है ये जो भूखंड है इसकी बराबर भुजाओं की लंबाई क्या होगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, समद्विबाहु क्षेत्र जो त्रिभुज होता है उसके क्षेत्रफल का फार्मूला याद हुआ? बोलो बोलो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और वो बताई 50,000/125। क्या बात समझ में आई क्या? 125 रुपए का एक वर्ग मीटर आ था और सारे रुपए कितने लग रहे? 50,000। तो मैंने क्या कहा, 50,000 को 125 से भाग दे दो तो वर्ग कितने मीटर होगा ये पता लग जाएगा। भैया आधार कितना है? 40। आधार की जगह कितना लिख दूं? 40। बच्चे इतनी बात सीखने में बताओ दिक्कत आ रही है? कुछ कुछ नहीं, तो 20 40, 0 होता है 0, 2 तो ही काटो, 2 × 4 2 × 5 = 10 22। ऊंचाई की वैल्यू कितनी आ गई बताइयो बेटे? 20। ऊंचाई की वैल्यू कितनी आ गई? 20। यानी के बेटे ये हाइट आ गई कितनी? 20। यहां जो कोण पड़ेगा वो कितने डिग्री का होगा? यहां जो कोण पड़ेगा वो कितने डिग्री का होगा? आपके और इसके मध्य में पड़ेगी ये भुजा। किसमें पड़ेगी? मिड पॉइंट पर पड़ेगी। तो इसका मतलब यंत्र लोक की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 20। हाइट कितनी? 20। तो आपको जो करण चाहिए कौन सा फार्मूला लगेगा? समकोण त्रिभुज वाला। कौन सा लगेगा? समकोण पाइथागोरस पर लगा दोगे। क्या है बताइयो? समकोण त्रिभुज वाला फार्मूला ये पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में, क्योंकि हमारे पास हाइट है, हमारे पास बेस है, हमें क्या चाहिए? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है? बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर। समझ आई बात बेटे? किसी के मन में कोई दिक्कत है क्या? अरे क्लियर है बात? बता के चलूं आगे। यस सवाल नंबर कितना? 60। एक त्रिभुज की आधार की लंबाई 15 मीटर। बड़े आराम से आइए, ये भैया त्रिभुज था, आधार की लंबाई कितने मीटर? 15 मीटर। ऊंचाई कितनी बता दी? 12 मीटर। ऊंचाई कितनी बता दी? 12 मीटर। क्या पूछता आपसे? ऊंचाई बता दी 12 मीटर। एक दूसरे त्रिभुज, अगली बात भी कहने लगे, पहले तो बताओ क्या तुम इसका क्षेत्रफल काट सको? कौन सा फार्मूला लगा काटोगे? 1/2 आधार गुणा निकालोगे, काट दो अच्छे से क्षेत्रफल, बाद में बता मांगे। सब बच्चे क्षेत्रफल निकाले। कितना आ गया? 90। कितना आया बेटे? 90। अब वो कह रहा है दूसरा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल तो कितना आ गया भैया? 90 आ गया, 90 आ गया। नुकै दूसरा त्रिभुज है, नुकै इसका क्षेत्रफल उससे दुगुना है, उसका दुगुना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 180। इसका अगर 90 है तो इसका कितना हो गया? 180।
दुबई स्थिर भुज के आधार की लंबाई 20 मीटर, आधार कितना बताया 20, हाइट बताओ। लिख रहे थी दिक्कत है क्या कुछ, इसका क्षेत्रफल निकाला उन्होंने अनुपात किसका दुगुना, तो हमने कहा 90 लिख रहा था, इसका भैया कितना हुआ 180, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा आधार बता रहे था 20, और क्या पूछ रखी थी हाइट, तो हाइट की जगह क्या लिख दिया h। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम लग रही हो ऊपर से कंसल्ट रिमूव कर दूं। यस नेक्स्ट सवाल नंबर कितना, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे यू है क्या समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल कितना 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर, इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, छोटी भुजा की लंबाई बताइए क्या होगा। आओ बच्चों मन से सीखेंगे, देखो कर्ण की लंबाई 13 बता दी, अगर आपको नॉलेज होगी वो मेरे पढ़ाने की, तो कर्ण की लंबाई 13 बता दी, आधार होगा 5, हाइट होगी 12, समकोण है, ये तो मैं कहूं कि आपको नॉलेज इतनी हो जानी चाहिए, अगर यू 5 होता तो या 4 होती या कितनी होती 3, कितनी याद होनी चाहिए कि 4 × 16 = 3 × 9 = 16 × 9 = 25 का रूट कितना आता है 5, 12 × 12 = 144 और 3 12 × 12 = 144 और 5 × 25 दोनों को जोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये तो हुई बात किसकी, हम लोग इस बात को जाने मौके, ठीक, उसने कहा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है फलाना, फलाना कितना 30, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए बेटे 1/2 आधार बराबर किसके 30, आधार ऊंचाई 11, ठीक, एल गुणा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, एल गुणा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, लो भैया एल एच कितना आ गया मार दो रे 60। यू दे रहे क्या करण, करण क्या होगा एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का रूट बराबर किसके बराबर 13, समकोण समकोण त्रिभुज में कर्ण का फार्मूला यही तो है, मैं चाहता हूं मुझे l स्क्वायर जमा b स्क्वायर का मान काट के दिखाओ, l स्क्वायर जमा b स्क्वायर बराबर 160। अब देखो दो बातें, उसने हमको कहा छोटी भुजा बताओ बड़ी भुजा बताओ, अगर कहीं से मुझे l प्लस b का मान मिल जाए l माइनस b का मान मिल जाए मैं दोनों चीजों का समाधान कर सकता हूं, ये बात तो देखो मैं पढ़ाने वाली पढ़ा रहा हूं, अन्य बिना पढ़ाने वाली बात सवाल शुरू करके बता दी थी, समझ रहे नहीं बात, अब हम मतलब सवाल का सॉल्यूशन कैसे करें, दो बातें हैं, 60 के ऐसे टुकड़े जिनके वर्गों का योग 169 आता हो, 12 × 25 = 60, 13 × 13 कितना 12 × 12 = 144 और 5 × 25 तो इसका मतलब 1/12 हो जाएगी, रेट कितनी हो जाएगी 5, यह बात तो नॉलेज की, अगर मुझे निकालना पड़ रहा हो नॉलेज ना हो मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ रहा हो तो भैया हम आएंगे वैसे l प्लस b का होल स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2lb, भैया l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना है 169, यानी कि इस सारे खंडे की जगह कितना धर दूंगा 169 रख दूंगा, 1lb का मान कितना 60 और lb कितने हैं तो इसका मान कितना होगा 9, 6, 2, 8, 1, कोई दिक्कत लगी है 200, 1 और 1, L प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289, दोनों ओर का वर्गमूल अगर मैं कर दूं तो जरा मुझे L प्लस B का मान बता दोगे कितना होगा, ऐसे ही L माइनस B क्योंकि यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, 169 में 120 घटाओगे कितने बचेंगे, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर l माइनस b का मान कितना आ जाएगा, यानी मैं l का मान काट सकूं b का भी, यानी कि मेरे पास सवाल को हल करने के 3 स्टेप थे, पहला स्टेप तो जब मैंने मुझे पता होना चाहा, दूसरा स्टेप में जब यहां पहुंचा l h के ऐसे टुकड़े जिनके वर्गों का योग 169 आता, नहीं समझ पाए क्या,
क्लियर हो चुका। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, सवाल नंबर कितना, 62। सवाल नंबर 62 कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर। कौन सा त्रिभुज है भाई? इसका मतलब इसकी दो भुजाएं तो समान होनी और 14 सेंटीमीटर बता दी साहब, कितनी बता दी? 14 सेंटीमीटर बता दी समद्विबाहु त्रिभुज की। क्लियर पढ़ी थी, यानी कि मैं अगर इसको ए कहूं इसको ए कहूं तो ये मुझे क्या कहनी पड़ेगी? तो क्या दो बराबर भुजाओं में से एक तथा तीसरी भुजा का अनुपात, दो बराबर भुजा ही तो है, एक भुजा 5 तो दूसरी भी तो 5 ही होगी, और इसका मान कितना दिया? 4। 5 और 5 10 और 4, तो इसका मतलब मेरी बात पूरी होगी, यानी कि एक भुजा का मान 5, दूसरी का 5, तीसरी का कितना? समद्विबाहु त्रिभुज का रूप सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो भैया किससे करते हैं? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। लेकिन भैया मेरे पास ऊंचाई नहीं है, निकाल सकता हूं ऊंचाई, क्या कर सकता हूं? निकाल सकता हूं ऊंचाई, लेकिन एक फॉर्मूला बताया गया मुझे, हीरोज फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला हीरोज? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। जहां एस की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। ए 5 और 4 9 4 5 और 5 10 और 4 14। 14/2 का मान कितना होता है? 7। यानी कि एस की वैल्यू कहां होगी? 7। एस की वैल्यू कितनी आएगी? 7 गुना 7 मतलब 5 जाएगा कितने बचेंगे? 2। 7 मतलब 5 जाएगा 2 और भैया 7 मतलब 4 जाएगा 3। नहीं समझ में आएगा? पक्का मुक्की अंडर रूट लेना ही है, 2 का तो ले लूं, 2 रूट कितना आएगा? 21। यानी कि क्षेत्रफल कितना है? 2 रूट 21। इसका क्षेत्रफल कितना भैया? 2√3। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगी हो और क्लियर रेमो करके बढ़े आगे भैया, समझ में आ रही बेटे? कमर लगा के भी समझ में आ रही बात? बहुत नेक्स्ट सवाल नंबर 63 शेम, अलग अलग भुजाएं दे दी साहब, अलग अलग भुजाएं क्या क्या दे दी? 3, 4 और 5। 3, 4, 5 बता दी, लगाओ ही रोज लगाना है क्या? क्या है बताइयो? अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस एस माइनस सी, और एस क्या हो? ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। नहीं समझे क्या? पक्का क्लियर है? कर दोगे इस तरह पढ़ी होने को भी कर दोगे क्या? मान लो वही लग रहा है बात बता हीरो जी, पढ़ो देखो कर दोगे क्या? पहले तो क्षेत्रफल काटना और फिर किसकी गुणा करनी? कहता है 65 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, एक वर्ग और एक वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए भाई, वर्ग का फार्मूला क्षेत्रफल का, और भैया वृत्त का पाई आर स्क्वायर तो होता है, लोग क्षेत्रफल समान हमने लिख लिया, ए स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर लिख लिया, लोग कि वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या में अनुपात क्या है? वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या में अनुपात क्या है? अब ये दोनों बातें गले जो ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर पाई, हमें ए का आर का अनुपात चाह रहा है, ए स्क्वायर का आर स्क्वायर का नहीं चाह रहा, दोनों का क्या ले लिया हुआ? ए बटे आर बराबर पाई रूट पाई बटे, अगर ए रेशो आर पूछ रहा है
तो पाई रूट पाई रेशो किसके चतुर्भुजाए, कल यंत्र चतुर्भुजों को हम लोग समाप्त स्टार्ट करेंगे।